तो आगे आप क्या दिखा रहे हैं? आगे हमारा आ जाता है जी फ्रिजेस में लोकल, तो हम आप घरों में तो नहीं लगाते हैं। मैं मोटा मोटा बताते जाएं। हाँ बस फिर इस साइड से हम यूं घूम के आगे हाँ चले जी, हाँ जी, जाते बिस्मिल्लाह करें। जो जो है बस मोटा मोटा उनकी प्राइस रेंज। हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रिक गीजर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर्स में 10 लीटर से लेकर हमारे पास 100 लीटर तक होता है, अच्छा जिसमें ठीक, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। मिनिमम जो है वो 22,000 से लेकर जो है 65,000 तक जाता है। अच्छा इसी ठीक। तरह फिर ये गैस में आ जाता है, इंस्टेंट गीजर्स होते हैं, ये भी हमारे पास जो है 20,000 से लेकर जो है 40,000 तक रेंज में आते हैं। ठीक हो उसके गया। बाद फिर लोकल के अंदर जो है फ्रिजेस आ जाते हैं, जिसमें हायर है, डॉलन्स है, पेल है, ओरिएंट है, ये आ जाते हैं। इसके अंदर जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर है, ग्लास है, विदाउट ग्लास है। अच्छा, इनकी प्राइस रेंज क्या है अंदाजन? इसकी प्राइस रेंज जो है वो मिनिमम जो स्टार्ट होती है 60,000 से लेकर ठीक है, 150 तक जाती है अच्छा, हायर के अंदर जो है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर डॉलर्स के अंदर आते हैं। डॉलर्स में जो है इस वक्त वो भी जो है 68 से लेकर 149 तक जाती है अच्छा, वो आके डॉलिंग स्टार्ट हो गया। डॉलर्स। डॉलर्स के अंदर भी इसी तरह सारी ब्रांड मॉडल्स हैं, जिसमें ग्लास, विदाउट ग्लास, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर। अच्छा, कलर्स अच्छे मज़े के हैं जी। कलर्स अच्छे चल रहे हैं इनके। और ये चलते हैं डॉलर्स वगैरह, बिक्री शिक्री होती है इनकी? डॉलर्स होती है, डॉलर्स का हायर का लोकल के अंदर जो है ये दो ब्रांड जो है ज़्यादा चलते हैं। ठीक फिर ये हो, आगे माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के अंदर आपको डॉलर्स, हायर, LG, सैमसंग ये मिल जाएंगे। और इनकी प्राइस रेंज अंदाजन? इसमें मिनिमम जो है वो 20,000 से लेकर मैक्सिमम जो है 65 की रेंज में जाते हैं। और डिफरेंट मॉडल्स हैं इसके अंदर, ग्रिल के साथ हैं, कुछ कन्वेक्शन है, अच्छा, मतलब हर किस टाइप का हर हर टाइप का जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ। लोकल के अंदर फिर जो ये हमारे पास जिस तरह आप देख रहे हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हैं। ठीक ये है, भी कुछ कस्टमर जो है वो लेते हैं अपने सर्वेंट्स के लिए जो यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छा, और और आम भी है जो कस्टमर वो भी लेता है, क्योंकि हर कोई ऑटोमेटिक के ऊपर नहीं जाता। नहीं जाता, बिल्कुल हर किसी का अपना अपना होता है। हाँ जी, इनकी क्या प्राइस रेंज है? ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक आती है वॉशर एंड स्पिनर के साथ, एक सिंपल आती है। ठीक है, अच्छा, प्राइसेस जो है इनकी 30,000 प्लस ही है। 30,000+ है। हाँ जी, और क्वालिटी वो ठीक है? क्वालिटी इनकी ठीक है, जिसमें डॉलन्स है, कैनवुड है, पेल ठीक है, है, हायर है, ये अच्छे अच्छा, जा रहे हैं। ये हमारे स्टैंडिंग गीजर्स आते हैं, जिसमें प्रेशर पंप और विदाउट प्रेशर पंप दोनों चल रहे होते हैं, क्योंकि हाँ, ये होना ज़रूरी है, फैसिलिटी अब जो है ना वो प्रेशर पंप मैक्सिमम लोग लगाने लगा लग रहे गए हैं, हैं। लगा रहे हैं। प्रेशर खास तौर पे फर्स्ट फ्लोर में ना जरूरत पड़ती है, ऊपर पानी का प्रेशर ज़रा नहीं, कम होता नीचे वाले फ्लोर पे भी पड़ जाती है, है। हाँ, जब ज़रूरत पड़ जाती है। वो टैंक आपका अगर लो लगा हो तो हाँ 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 फिर हाँ बहुत जरूरत पड़ती है। अच्छा ये जी, हमारी अब आ गई है फ्रिजेस के अंदर इम्पोर्टेड रेंज। अच्छा, इम्पोर्टेड है वो, लोकल थे वो लोकल थे, ये वो बेसमेंट इम्पोर्टेड है? फ्रॉस्ट होते हैं, ये नो फ्रॉस्ट हैं। अच्छा, नो फ्रॉस्ट के अंदर जो है ना आपको हिटाची, उसके बाद बॉश, और इनके प्राइसेस एलजी, भी साथ साथ हैं। सैमसंग, ये बेसिकली आप ये रखें जहन में कि मिनिमम जो है ये 3.5 लाख से स्टार्ट होते हैं, अच्छा क्योंकि अब जो है वो प्राइसेस काफ़ी अप हुई हैं अच्छा, ये पहले। जो इंटरनेशनल वाले हाँ हैं। जी, हाँ जी, इंटरनेशनल वाले, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, फिर इम्पोर्टेड हैं, जिसके अंदर जो है और ये ये 3.5 लाख से स्टार्ट होते हैं, तो खत्म किधर होते हैं? ख़त्म जो है ये आगे हम आपको बताएंगे, ये 9 लाख पे ख़त्म होंगे। करें जी, हाँ जी, ये तो ना ही बताते। अच्छा, बेसिकली ना हर एक में इसमें आते ना डिफरेंट हैं। मतलब वो फिर जाहिर बात है उनके स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होती जाती हैं। आज हम साथ नहीं आए, नहीं अभी नहीं आए, फिर क्या करें, बना बस ओके बना वीडियो ना लेंगे। साउंड। अच्छा, ये फ्रिज वगैरह आपके? हाँ जी, ये फ्रिजेस आ गए ना, जिसके अंदर वैसे दो कैटेगरी आ जाती है ना, एक अप एंड डाउन आ जाती है, ऊपर फ्रीजर नीचे फ्रिज, और ठीक एक है आ जाता है साइड बाई साइड। ठीक है, साइड बाई साइड के अंदर जो है आपको राइट साइड फ्रिज, लेफ्ट साइड फ्रीजर, फिर एक आता है 4 डोर, जिसमें फ्रिज एंड फ्रीजर फ्रेंच डोर का कहलाता है, अच्छा, वो भी आते हैं। उसके अंदर भी आपको है ये सारी वैरायटी इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर आ जाती हैं? इंटरनेशनल कंपनी, लोकल में भी जो है वो आप 4 डोर बना रहे हैं, जिस तरह हायर है, ठीक है, डॉलेंस है, ये भी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, प्राइस वाइज जो है वो कम हो जाती है। प्राइस कम हो जाती अब फ्रिजेस का ये एक साइड रहेगी, ये करके फिर वॉशिंग मशीन पे आ जाते हैं। है। ठीक है।
फ्रिजेस के अंदर जो है, जिस तरह आप ये लगा हुआ है साइड बाई साइड, सैमसंग का है ये, वो फोर डोर है जो मैं आपको। अच्छा, वो फ्रेंच डिजाइन। फ्रेंच डिजाइन ये तो प्यारा है बड़ा। इसमें देश की मिर्चियाँ आ जाती हैं? हाँ, नीचे फ्रीजर आ गया। अच्छा अच्छा, गुड। ये सारे इसी तरह आ जाते हैं। फिर हिटाची ने जो है फ्रेंच डोर निकाला हुआ है। ये हिटाची जापानी जो है? हाँ जी, जापानीज, मेड इन थाईलैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें अच्छी स्पेस आती है। ये फ्रिज है? ये फ्रिज है, ऊपर फ्रीजर है। और इनके भी प्राइस रेंजेस वही? ये तकरीबन आती है कोई 6-10 के अराउंड। अच्छा, 6-10 के। हाँ जी, प्राइस जो है फिर ये जिस तरह, ये एल जी का, ये बड़ी एक अच्छी और डिफरेंट चीज़ उन्होंने लॉन्च की है। नॉक नॉक के साथ आप करें और लाइट ऑन हो जाएगी, अंदर जो चीज़ें हैं वो देखें और दरवाज़ा खोल के निकाल लें। अच्छा 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 अच्छा। प्लस एडिशनल फीचर उन्होंने ऐड कर दिया क्राफ्ट आइस मेकर के साथ। अच्छा अच्छा, काफी हैवी सिस्टम है। हाँ, इसके अंदर दो बेसिकली ना आपको आइस क्यूब सिस्टम मिल रहे होते हैं। ठीक है, रेगुलर जो है आइस क्यूब्स हैं, एक पे क्राफ्ट आइस मेकर जो है वो इसके अंदर दे दिया इन्होंने। और क्या इसकी प्राइस है? ये है 8.5 लाख। अच्छा, 8.5 लाख। इसी के अंदर ये दूसरा मॉडल है एल जी का। एल जी का, एल जी इस वक्त जो है वो काफी अच्छा हर लिहाज से ओवरऑल ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर काफी कर रहे हैं। इनके आते हैं पेयर, फ्रिज एंड फ्रीजर दोनों अलग-अलग सिस्टम होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें आपको जो है कैपेसिटी अच्छी मिल जाती है। ये फ्रिज है, ये फ्रीजर है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। मतलब आप एक ही वो कैबिनेट बना के? हाँ जी, तो उधर ही आप इनको, उधर ही इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस का इशू है तो आप फ्रिज अलग रख सकते हैं, फ्रीजर अलग रख सकते हैं। तो ये पेयर साथ आता है? ये पेयर है आप दोनों। कितनी प्राइस है इसकी? वैसे तो इसकी जो रिटेल आती है वो आती है 720। अच्छा ठीक है। फिर उसके ऊपर जो हम अपने क्लाइंट्स को, रेगुलर्स को और आप लोगों को और अपने अच्छे कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे होते हैं, मेहरबानी, तो वो उस लिहाज से फिर जो है वो अच्छी प्राइस मिल जाती है। अच्छा माशा। इसी तरह ये एलजी के अंदर आता है। दो ही ब्रांड जो है पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। और एलजी जो है इस टाइम वो एक तरह का टॉप पे जा रहा है। हाँ, एलजी की फिनिश आपके सामने है। हाँ नहीं, एलजी की फिनिशिंग वाकई में बहुत अच्छी है। सैमसंग भी नो डाउट बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि सैमसंग जो है एक कोरियन है, तो दोनों कोरियन है लेकिन सैमसंग पहले था, फिर एलजी ने स्ट्रगल किया है। अच्छा, और अच्छा, फिर इसके लेवल पे आया है। अच्छा माशाल्लाह, तो दोनों कोरियन ब्रांड हैं, दोनों इस वक्त जो है ये टॉप पे जा मुकाबला चल रहा है दोनों दोनों का। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ज्यादा सैमसंग और एलजी ही आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह, क्योंकि ये दोनों ही पाकिस्तान के साथ ऐसा जैसे दोनों पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अलावा आपको जो है ना और कोई ब्रांड्स नजर नहीं आएगा, बहुत कम नजर आता बहुत। हाँ, नहीं नहीं, ये रेगुलर आपको ये दो ब्रांड नजर आ रहे हैं, चल रहे हैं, फुल रनिंग में चल, फुल रनिंग में चल रहे। तो ये आपके फ्रिज पूरे हो गए हैं? ये फ्रिज हो गए। अब वॉशिंग मशीन्स? वॉशिंग मशीन्स हैं, ये एक डिस्पेंसर्स पे। हाँ, वाटर डिस्पेंसर्स के अंदर जो है आपको मिल जाएगा डॉलेंस है, ओरिएंट है, पेल है, होमेज है। ये ज्यादातर ऑफिस में चलते हैं या घरों में भी चलते हैं? घरों में भी चलते हैं। और क्या प्राइस रेंजेस हैं इनकी? प्राइस रेंज जो है ये मिनिमम जो है इस वक्त 34 से लेकर 48 तक जाती है। अच्छा, 34 से लेके 48 तक इनका चलता है। हाँ जी, डिफरेंट प्राइसेस में आ जाती है। ठीक हो। उसके बाद हमारे पास बिल्टन के अंदर आते हैं, तो फ्रिज एक पड़ा हुआ है फॉर्नो का। बिल्टन क्या मतलब? ये एक बिल्टन जो आप बिल्टन किचन बन रहा होता है ना। हाँ हाँ हाँ, जो इम्पोर्ट भी कुछ लोग कर रहे हैं, बिल्टन किचन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर जो फ्रिज लगता है उसका साइज ये होता है। अच्छा, ये उसका साइज होता है? हाँ जी, ये उसका साइज होता है। और इसके फ्रंट पे शीट लग जाती है जो कवर हो जाता है, जिससे बिल्कुल आपका लेवल आ जाता है। लेवल आ जाता है। अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, फ्रिज है हमारे। ये भी आपने रखी हुई है? रखी हुई है। ठीक हो। फिर वॉशिंग मशीन्स के अंदर जो है आपके पास दो कैटेगरी आ जाती है, फ्रंट लोड और टॉप लोड, जो ऑटोमेटिक के अंदर आती है। अच्छा ठीक हो गया। ऑटोमेटिक के अंदर फ्रंट लोड इस वक्त आपको मिलेगी सैमसंग, एल जी, हायर, ठीक, डॉलेंस, ये ब्रांड जो है ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रंट लोड जिसका ढकना सामने से खुलता है? हाँ जी, जिसका ढकना ऐसे सामने से खुलता है। ठीक। इसके अंदर वॉशर आता है स्पिनर के साथ, फिर वॉशर एंड ड्रायर आता है। ठीक है। ये भी ऑप्शन इसके अंदर होती है। इसके अंदर जो है आपको ज्यादा जो है वो सैमसंग, एल जी और हायर के अंदर मिलेगा। ड्रायर के साथ अगर आपको चाहिए होगी तो वो आपको सैमसंग और एल जी मिलेगा। अच्छा, और इनकी प्राइस रेंजेस क्या है? ड्रायर के अंदर जो है वो बेसिकली तकरीबन जो है वो 3-18 तक आती है एलजी की, और सैमसंग जो है वो भी राउंड बोर्ड जो है 3+ है। और विदाउट ड्रायर? विदाउट ड्रायर जो है इनकी जो आ रही है एलजी जो है वो तकरीबन 2 लाख की है, इसी तरह सैमसंग 2-10, 2 राउंड बोर्ड यही आ रही है, मतलब तकरीबन यही रेंज। हाँ जी, और जो लोकल है हायर उसमें जो है वो कम है,
अच्छा अच्छा वो 180-170 अच्छा वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हर किस्म की पॉकेट के लिहाज से भी जी आप लोग फैसिलिटेट करते हैं वो उस लिहाज से जो उसका बजट है, बजट के लिहाज से सेटिंग हो जाती है। फिर नीचे आ जाते हैं डिश वॉशर्स। अच्छा ये डिश वॉशर्स हैं? ये डिश वॉशर्स हैं, ये भी ये चलते हैं? चलते हैं सर, बिल्कुल चलते हैं। अब तो ये समझ लें कि हर घर के अंदर जो है लाजमी है, जीनत है उसकी। ना करें जी। हाँ जी, क्योंकि ये लेडीज सेगमेंट जो होता है वो जीनत होती है घरों। ये तो है। क्या इसकी प्राइस रेंज है सर? इसके अंदर जो है हमारे पास माइडिया का एक आया है डिश वॉशर, ये हमारे पास दो इसके आए थे जो टोटली खत्म हो गए, और अभी एक नया मॉडल आ गया आज इन्वर्टर के साथ। अच्छा। हाँ, प्राइस बड़ी अच्छी आई है, 160+ है, लेकिन ये है कि चीज़ अच्छी है, वारंटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है। और ये खुलता कैसे? इसको ऐसे हम ओपन करेंगे। अच्छा, ये एलजी का है इन्वर्टर के साथ। ले आ सारा टैली कर लिया, सामान पूरा। अच्छा, जो आ रहा था ना उस वक्त तो इतनी प्राइस नहीं थी ना। हाँ, अब तो जहरी बात है, अब तो 2+ हैं सारे। ये आपके वॉशिंग मशीन भी हो गई और डिशवॉशर भी हो गए। और कुछ रह गया दिखाना चाहें? हमारी टॉप लोड रह गई है। बिस्मिल्लाह करें। अब फ्रंट लोड के अंदर ये देखना, हमारे पास बड़े साइजेस भी हैं, 18 kg, 20 kg, जो कस्टमर्स लेते हैं। इनकी क्या प्राइसेस हैं? ये 4+। अच्छा, ये 4+ है। साइज देखें ना, ये तो काफ़ी बड़ा साइज है, 20 kg है प्लस ड्रायर के साथ। तंबू शंबू दो अंदर, टेंशन ही कोई नहीं। वो हर एक के अपने रिक्वायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा फैमिली या ज्यादा आपका है तो वो भी है। दो कुछ लोग जो है ना वो पसंद करते हैं कि हम ना 3-4 दिन बाद कपड़े धो लें, डेली ना धोएं। ठीक, उसके लिए फिर वो एक ही एक दफा डाल के इकट्ठा कर दें। जी, टॉप लोड के अंदर जो है ना आपको एलजी, सैमसंग, डॉलेंस, एल हायर, ये सारी मिल जाएंगी। और इनकी क्या प्राइस रेंज है? इसमें जो है मिनिमम जा रही होती है 60,000 से लेकर मैक्सिमम जो है वो 2 लाख के राउंड अबाउट। अच्छा, 60,000 से लेके 2 लाख तक जो है प्राइसेस जाती हैं, जिसके अंदर लोकल भी और इंपोर्टेड दोनों आ जाते हैं। ये भी वही है ऊपर वाली? हाँ, ये सब टॉप लोड ऑप्शन। और इसमें इस टाइम वही एलजी सैमसंग इन्हीं का मुकाबला चल रहा है? देखिए, ब्रांड के अंदर जो है वो मुकाबला जो है वो ब्रांड के साथ ही चलता है, लोकल में तो फिर ये हायर हो गया, बाकी ब्रांड्स आगे उनके साथ चल रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये हो गया। और वो क्या पड़ी है, वो छोटी मोटी चीज़ें? वो स्मॉल अप्लायंसेस है, वो भी लेडीज़ का सेक्शन है, किचन के लिए इस वक्त अच्छा होता है, जिसमें जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, मोटा मोटा वो भी दिखा दें बस, वो ज़रा सफाई कर ले। कर ले कर ले। तो इनकी बैकअप फैसिलिटी का क्या सिस्टम होता है रिजवान साहब? चलो, चीज़ तो खरीद के आप ले गए सर, बेसिकली ना वारंटी सबकी होती है, विदाउट वारंटी प्रोडक्ट हम देते ही नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। ये नहीं है कि कोई कहे जी हमें विदाउट वारंटी दे दे, हम प्रोडक्ट देते ही नहीं उसे, क्योंकि प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी ओरिजिनल और वारंटी के साथ मिलेगी। अच्छा, इनके अगर कोई बाद में मसला शसला हो जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, या इनके सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको सर्विस मिलती है, हम प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा अच्छा, आप तो फैसिलिटेट, वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो तो आप लोग फैसिलिटेट हम जो है खुद फॉलो अप करके उसके साथ कर रहे होते हैं, और हमारे सारे कस्टमर जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं हमें। ठीक हो गया। क्योंकि बेसिकली दोनों हाथों से ताली बजती है ना, वो हमें बताते हैं, हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं, फिर उनके साथ फॉलो अप मिलके जो है हम उसको फॉलो करके कंप्लेन हल कर देते हैं। तो वो चीज़ सारी जो होती है वो ट्रीटेबल होती है। हाँ जी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि लोग जहरी बात है एक परेशानी होती है कि आप एक चीज़ 2 लाख 3 लाख या लाख की परचेज करो, इवन की 20,000 की भी परचेज करो, तो एक आपने ले के तो रख ली, पर ये नहीं कि जब आपने खरीद ली तो फिर आंखें मोड़ लो, जब उसमें कोई मसला बनता है तो आप साथ में केटर भी करते हैं। ये काम नहीं करते हम, बेसिकली बहुत सारे बाकी शॉप्स वाले हैं कि आप प्रोडक्ट ले लें, उसके बाद वो कहते हैं जी ये कंपनी का सर्विस सेंटर है आप जाने। जी, इसी तरह होता है, इसी तरह होता है, हम लोग वो काम नहीं करते। हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अच्छा रहा इस मामले में, क्योंकि चाहे वो लोकल हो या इम्पोर्टेड हो, हम उसको खुद इसको फॉलो अप कर रहे होते हैं। हमने अपना एक ग्रुप बनाया जिससे हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं, फिर हमें टास्क नंबर हमें भी आता है। अच्छा अच्छा, कस्टमर को कॉल जाती है, सारा कुछ वो होता है, वो एक फॉलो अप हम खुद कर रहे होते हैं। ठीक हो, ठीक हो, ताकि जो हमारा कस्टमर है वो सफर ना करे और हमारे साथ लिंक रहे, लिंक रहे। ये अच्छी चीज़ है, मतलब आप हर किस्म का बैकअप फैसिलिटी। देखें, फ्रेंड्स का मतलब ही ये है, दोस्त
अगर दोस्तों ने दोस्त वाला काम नहीं करना तो फिर किसने करना? और ये बड़ी गहरी बात है आपने, तो हो गया बॉय का हो गया। आपकी मशीन भी डिस्प्ले लग गई है। बस ये मशीन जब मैं कहूँगा ना तब पहुँचानी है, पैसे मैं अभी दे दूँगा। वो बस उससे पहले मैं थोड़ा छड़ा सिस्टम विस्टम सारा कर लूँ। हाँ वो अपने ही लड़कों ने करना, ये है ना क्योंकि वो उतारते चढ़ाते ना वो अभी डैमेज ना हो जाए। अरे ये क्या सीन है? ये एयर फ्रायर्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अब बहुत इन हो चुके हैं। ऑयल के बगैर आपने जो चीज़ें खानी हैं, आप कहते हैं जो हम मोटा नहीं होना चाहते हैं, फैट नहीं लाना चाह रहे जिस्म पे, तो उससे काम करने के लिए ये एयर फ्रायर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। एज ए फ्लेवर के तौर पर आप इसके ऊपर ऑयल वगैरह लगा रहे होते हैं, जिस तरह हम टिक्के इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, सेम लाइक इसी तरह। क्या कंपनी और प्राइसेस वगैरह इसके अंदर जो है? कंपनीज अब काफ़ी आ गई हैं, फिलिप्स है सबसे पहले, तो फिलिप्स था, उसके बाद फिर कैनवुड, हायर, टिफॉल, सिंपल। हमारे लोग मॉडर्न हो गए अब तो, ये तो बड़ी शशकी वाली चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्राइस रेंज इसकी बताइए आपने? प्राइस रेंज जो है बेसिकली 25,000 से स्टार्ट होकर जाती है 1,10,000 तक। अच्छा 1,10,000 तक। साइजेस आते हैं डिफरेंट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको जूसर्स मिलेंगे, आयरन्स मिलेंगी। इनकी क्या क्या प्राइस रेंज है? ये डिफरेंट प्राइसेस के अंदर आते हैं क्योंकि इसके अंदर कैटेगरीज काफ़ी आए हैं, तो ब्रांड्स काफ़ी आ जाते हैं इसके अंदर। किधर से लेके किधर तक पहुंचती हैं इनकी प्राइसेस ये जूसर हैं? अब जो है समझ लें कि 20,000 से ऊपर ही है। अच्छा 20,000 से ऊपर ही? हाँ जी, अब प्राइस 20,000 से ऊपर ही हैं, ऊपर ही चल रही होती हैं। ठीक। और ये इस्त्रियाँ? मिस्त्रियाँ इस्त्री जो हैं इसके अंदर आपके पास स्टीम है, ड्राई है, स्टीमर्स हैं, ये भी अब काफ़ी इसके अंदर जो है वैरायटी आ गई है। ये 3-in-1 सेटअप है। अच्छा अच्छा अच्छा। जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर्स, ये आगे सैंडविच मेकर्स, वॉफल मेकर, मतलब 21,000 तकरीबन 17,000-20,000 ये इनके अंदर ना, सब के अंदर डिफरेंट वेरिएशन प्राइसेस हैं। पर सब में प्यार मोहब्बत है। हाँ जी वो तो प्यार मोहब्बत तो हमारी आनी ये जरूरी होनी चाहिए थी। ये भी आपके वही जूसर चल रहे हैं? ये ब्लेंडर्स चल रहे हैं सर। अच्छा ये ब्लेंडर्स हैं? ये ब्लेंडर्स हैं, ये मिक्सर्स हैं, ये आजकल जिस तरह माल्टे आए हुए हैं तो सिट्रस, उसके लिए आजकल जूस निकालने के लिए बड़ा यूज हो रहा होता है। कोई निकाल के चेक करें ना जरा, बस माल्टे माल्टे बस सूखे सूखे ही बता रहे। माल्टे आ नहीं रहे ना हमारे पास। अच्छा ये काफी वैरायटी है इसकी। हाँ जी। इसके बाद फिर नीचे आप देखेंगे ये टोस्टर्स पड़े हुए हैं। टोस्टर्स भी आजकल जो है वो यूज करते हैं लोग घरों में ज्यादातर। अच्छा हाँ, ये तो पहले होता था, मैंने सुना था कॉन्सेप्ट, पता नहीं। नहीं तो अभी भी चल रहा है। अच्छा अभी भी चल रहा है? हाँ अभी भी चल रहा है। फिर ये कीमा मशीन्स में है, वो भी हैवी भी लो भी, ये भी लगी हुई है, तो सारा कुछ रखा है। सारा कुछ है। अभी ये देखें ना, अभी तो ये हैंड मिक्सिंग है, हैंड ब्लेंडर्स हैं, इसके अंदर भी ये आपके पास ऑप्शन हैं। उसके बाद चॉपर्स हैं ये लगे हुए जो मतलब हर किस्म की। हाँ जी, स्मॉल अप्लाइंसेस में हर टाइप की आपको चीज़ मिल जाती है। फिर लेडीज़ के लिए जो इसके स्ट्रेटनर्स, कलर, ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, हीटर्स, ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और सब जो है वो वारंटी के साथ? सब वारंटी के साथ अवेलेबल है। हाँ जी। ये स्ट्रेटनर वगैरह रेमिंगटन के इस वक्त जो है टॉप ब्रांड है। अच्छा 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 ठीक हो गया। ये रिजवान साहब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे तकरीबन कवर हो गया। ऑलमोस्ट जो है हमने आज सारा कुछ डन कर लिया। तो इंशाल्लाह जिस बंदे ने भी आपके थ्रू परचेजिंग करनी होगी जी जी, मैं आपका नंबर भी डाल दूंगा। ठीक है ना? और आपको जो भी रابطہ करे, बस जितना आप उसको हमें जैसे फैसिलिटेट करते हैं वैसी आप उनको भी इंशाल्लाह फैसिलिटेट कीजिएगा। और जैसे जैसे साथ साथ कोई कोई अपडेट आती रहे तो आपने हमें जहमत देनी है, हम आके उसको भी इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। ठीक हो गया। जो भी नई प्रोडक्ट आएगी वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बारे में हम करेंगे ताकि आपके साथ फ्रेंड्स बने रहें। बने रहेंगे इंशाल्लाह। माइडिया का एक नया डिशवॉशर आया कम प्राइस के अंदर, इन्वर्टर के अंदर। ठीक है। वो आया मेरे पास आता है तो उसको मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगा। बस ये चीज आपने करनी है ताकि उसको साथ साथ हम अपलोड भी करते रहे और लोगों को आइडिया भी होता है। ठीक हो गया। चले रिजवान साहब, आपका टाइम लिया, आप काफी बिजी होते हैं, तो जजाकअल्लाह। और कुछ इरशाद करना चाहते हो आप कर सकते हैं अभी। बस सर हमने एक ही बात कही आपको कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही होते हैं। चलिए सर जजाकअल्लाह। इंशाल्लाह आपको हमेशा दोस्तों वाला माहौल ही मिलेगा इंशाल्लाह। सर वो मुझे आइडिया है। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू रिजवान साहब, जजाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।